नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में जारी मंथन के बीच शरद पवार बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की यह मुलाकात महाराष्ट्र में किसानों की समस्या को लेकर होगी। पार्टी के नेता नवाब मलिक ने इस बात की जानकारी दी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बताया कि शरद पवार प्रधानमंत्री से संसद भवन में दोपहर को मुलाकात करेंगे। मलिक ने कहा कि एनसीपी प्रमुख प्रधानमंत्री से महाराष्ट्र के किसानों को राहत देने की मांग करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में बिना मौसम बरसात के कारण बड़े पैमाने पे किसानों का नुकसान हो गया। अगली फसल की बुवाई शुरू करनी है, किसानों के पास पैसा नहीं है। राज्य सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था, आज कोई सरकार नहीं है, कोई मदद नहीं बांटी जा रही है। तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र सरकार मदद करे। शिवसेना के नेता ने भी आग्रह किया है कि पवार साहब प्रधानमंत्री से मिलके कोई राहत पैकेज केंद्र दे, इसको लेके मांग रखेंगे और हम लोग प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार महाराष्ट्र में किसानों को राहत देने के लिए कोई फैसला करे। इस मांग को लेके पवार साहब प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले। शरद पवार और पीएम मोदी की मुलाकात की जानकारी शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को ही दी थी। उन्होंने कहा था कि हम किसानों के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि यह मुलाकात शरद पवार की अगुवाई में ही होगी। दोनों नेताओं की मुलाकात से पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हमने भी शरद पवार से अनुरोध किया था कि वे राज्य की स्थिति के बारे में पीएम को जानकारी दे। महाराष्ट्र के सभी सांसद भी पीएम मोदी से मिलेंगे और हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि केंद्र उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहायता दे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश जारी है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एक दूसरे की मदद से सरकार बनाने की कोशिश में लगी है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें आ रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले शरद पवार ने कहा था कि बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उन्हें अपना रास्ता चुनना है। संसद में मीडिया से बातचीत में पवार ने कहा, बीजेपी शिवसेना ने साथ चुनाव लड़ा था, एनसीपी और कांग्रेस ने साथ चुनाव लड़ा, उन्हें अपना रास्ता चुनना है और हमें अपनी राजनीति करनी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।